राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कहाँ पे मील का पत्थर साबित हो गई, पहले तो आप हमें यही बता दीजिए। जिन लोग उसके बाद में जो है संसोपा बना था, तब ये कांग्रेस कांग्रेस का नाम नहीं था, तब तो वो किसी को जोड़ा नहीं, ना पुरानों को जोड़ा ना नयों को जोड़ा, जो थे उनको भी छोड़ा, उनको पहले न्याय दिला ले उसके बाद में बाकियों को न्याय दिलाएंगे। किसान को वो क्या न्याय दिलाएंगे, जनरल वाले हैं, उनको सरकार ने खरीद लिया, तो बाकी यूट्यूबर तो किसी के बिकाऊ नहीं है ना। माना जा रहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी वो मील का पत्थर साबित हुई, और जो दूसरी न्याय यात्रा जो निकाली जा रही है वो और भी बेहतर होगी, तो फायदा कुछ ना कुछ होगा। देखिए, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा कहाँ पे मील का पत्थर साबित हो गई, पहले तो आप हमें यही बता दीजिए। कांग्रेस कह रही है लगातार। कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस के लिए होगी और किसी के लिए नहीं है। अगर मील का पत्थर साबित हो रही होती तो सबसे पहले तो राहुल गांधी अपने कांग्रेस के लोगों को ही जोड़ लेते, जो कांग्रेस के शुरू से जुड़े हुए थे, जब अंग्रेजों के समय पे आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी जिन लोगों ने, जिन लोग उसके बाद में जो है संसोपा बना था, तब ये कांग्रेस कांग्रेस का नाम नहीं था, आज़ादी की लड़ाई के बाद जब ये लोग आए तो संसोपा बना है, और संसोपा के बाद संसोपा में जो है जो लोग थे वही जब ये कांग्रेस बनाई गई है कि भाई अब कांग्रेस बना लेते हैं, तब उसमें जो है कांग्रेस में सब संसोपा वाले ही विलय हुए हैं। कांग्रेस को लेकर लगातार इन लोगों ने जो है तब तो किसी को जोड़ा नहीं, ना पुरानों को जोड़ा ना नयों को जोड़ा, जो थे उनको भी छोड़ा, ठीक है, तो जब पहले इनको पहले जोड़ लेते उसके बाद जो है यात्राएं निकालते, तब वो चाहे न्याय यात्रा निकाल रहे क्या, किसानों को न्याय दिला देंगे, महिलाओं को न्याय दिला देंगे, युवाओं को न्याय दिला, कांग्रेस ही कांग्रेस वाले कांग्रेस वालों को ही न्याय दिला दें, पहले तो सबसे बड़ी बात तो ये है, जो कांग्रेसियों के घर के लोग हैं उनको न्याय दिला दें, उनको जिनको जिनको जो है नौकरियों से एजें निकल गई और वो लोग उम्र के बड़े हो गए और आज जो है वो तरस रहे हैं है हर चीज़ के लिए, तो उनको पहले न्याय दिला लें उसके बाद में बाकियों को न्याय दिलाएंगे। किसान को वो क्या न्याय दिलाएंगे, किसान तो उनके समय पर भी वो होता था है, तो किसान को उस टाइम क्यों नहीं न्याय दिया दिलाया उन्होंने, तब दिला लेते, उनके समय पे क्या कुछ नहीं होता था, उनके समय पे किसान सुसाइड करते थे, आज किसान कम से कम अभी भी सुसाइड कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार डेटा नहीं निकाल रही, आंकड़ा नहीं दिखा रही, नहीं दिखा दे, अभी सरकार नहीं मान लो सारा आंकड़ा निकाल रही है, डाटा सारा सरकार ने बंद कर दिया, और लोग तो है यूट्यूबर्स तो है, मान लो कि जितने नेशनल न्यूज चैनल वाले हैं उनको सरकार ने खरीद लिया, तो बाकी यूट्यूबर तो किसी के बिकाऊ नहीं है ना, किसी के हाथ में बिके हुए यूट्यूबर्स नहीं है, यूट्यूबर हर जगह हैं, हर जगह भारतवर्ष के हर कोने कोने में है, तो क्या उनसे कवरेज नहीं हो सकती है, उनसे भी तो कवरेज हो सकती है, कहाँ पे आज किसान ने सुसाइड किया, कहाँ किसने फांसी लगाई, कहाँ किसने जो है वो जहर खाया और कहाँ किसने जो है वो दवा खा करके। एमएसपी के कानून की बात कर रहे हैं, किसान कहते हैं कि कानून बना दीजिए, सरकार सुन नहीं रही है, चार बार बैठक हो चुकी है, उससे पहले भी पिछली बार भी हुई थी बैठक, ठीक है, ये लोग खुद मानने को तैयार नहीं है, अगर ये लोग एमएसपी पे मानने को तैयार होते तो जब पिछली बार आपने एमएसपी पे 3 कानून की मांग करी थी तो तब सरकार तब भी बातचीत के लिए तैयार, और आपका सरकार ने जो जो चीज़ें मांगे मानी थी आपने उसको कट मार दिया, सरकार ने कहा ठीक है वापस कर दो, वापस हो गया। अब अभी जब आप लोग आए हो लाओ लश्कर के साथ में, तब जब आपकी 3 के बजाय अब 13 मांगे हो गई है, मतलब हर बार आते रहोगे तो मांगे बढ़ती चली जाएंगी आपकी, 10 गुना मांगे बढ़ती हमेशा चढ़ती चली जाएंगी, और आप जो है आप कह रहे हो नहीं जी हम तो बुलडोज़र और जो है ट्रैक्टर ट्रॉली और जो है जितना भी मेरा लाओ लश्कर है हम सबके साथ दिल्ली के अंदर कूच करेंगे, तो सबके साथ दिल्ली में कूच करने के लिए पहली बात तो जगह नहीं है, दूसरी बात है आप क्या सबके साथ दिल्ली कूच करने के लिए जैसा पिछली बार 26 जनवरी को कांड हुआ था लाल किले पे वही कांड कराने जा रहे हो? कह रहे कि बीजेपी ने वो खुद कराया था, बीजेपी ने अपना बंदा भेज दिया। बीजेपी पागल है क्या? मान लीजिए मैं हूँ, मैं राज्य सत्ता पे बैठी हूँ, मैं सत्ता संभाल रही हूँ, ठीक है, तो कांड जो है और आप मान लो अपोजिशन हो, ठीक है, तो क्या मैं अपने साम्राज्य में खुद दंगे कराऊंगी कि हम अपना साम्राज्य पीसफुली चलाएंगे और हम कल को ये दिखाएंगे कि साहब देखो इस पीरियड में मैंने अपना राज्य चलाया और बड़ी शांतिपूर्वक और बहुत अच्छा मेरा साम्राज्य चला, जो उससे
पब्लिक अगले बार भी वोट देने को खड़ी रहती है। और अगर हम अपने ही उसमें जो है दंगे कराते रहेंगे और लोगों को मरवाते रहेंगे, क्या पब्लिक हमें वोट देगी? तो विपक्ष कहता तो है कि पुलवामा भी भाजपा ने कराया और वोट ले गई पुलवामा के शहीदों के नाम पर। गलत है, ये काम सारे अपोजिशन कराता है। अपोजिशन जो है पीसफुली जो है किसी का भी राज्य चलने नहीं देना चाहता है, और अपोजिशन का काम ही यही होता है कि दंगे फसाद कराना, भड़काऊ भाषण देना, लोगों को उस जो है जिसका साम्राज्य चल रहा उसके खिलाफ भड़काना, ये काम होता है। पुलवामा जो है वो भी अपोजिशन की वो थी और उसके साथ साथ आतंकवादियों की साजिश थी। लेकिन सत्यपाल मलिक तो अलग ही बयान दे रहे थे ना उस मुद्दे को लेकर कि काफी चीजें छुपाई गई है, काफी बताया नहीं गया। मतलब आप ये मान लीजिए कि ओवरऑल कहीं ना कहीं मोदी जी को टारगेट किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से ही कि मोदी जी दंगे करा रहे हैं, जनता को भड़का रहे हैं, धर्म की राजनीति कर रहे हैं और उसी पर वोट ले जाएंगे। देखिए आज आपको बता दूं, कोई भी मोदी जी के खिलाफ, मैं मोदी भक्त नहीं हूँ ना मैं कोई भक्त हूँ, ठीक है जी, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि कोई भी किसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है तो आज मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखा दिया, आज मोदी जी ने इतना काम कर दिया, आज मोदी जी ऐसा कर रहे हैं कि आज विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी के नाम का, आज भारत भारत इंडिया इंडिया करके जो है लोग जो है आगे पीछे नतमस्तक होते हैं।